इसमें रॉ मटेरियल फ्री है जिससे आप प्रोडक्शन करेंगे। सेकंड ये कि ये हर घर की ज़रूरत है, तो आप शॉप्स पर, घरों में, दुकानों पर, सब जगह इसको सेल कर सकते हैं। जब तक क़यामत नहीं आती, जब तक इसकी ज़रूरत रहेगी। अब आ जाते हैं हम 3 घंटे में जो है वो किस तरह 3 घंटे काम करके जो इतना पैसा कमा सकते हैं। तो उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है और बिजली की कंजम्पशन सिर्फ 7 किलोवाट है, जिसकी वजह से सिर्फ 26 पैसा इसकी कॉस्ट। यानी कि जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है। ऑटो पे चलने वाला भी बिजनेस है, यानी कि एक बार आपने कस्टमर बना लिया, एक बार इसके पास जो सिस्टम चल गया, आपका सेल्स होना शुरू हो गई, तो वो कस्टमर आपका हमेशा बरकरार रहेगा। टोटल बनता है 1,33,000 रुपये महाना का खर्चा। अब 1,33,000 महाना खर्चा हो तो सेल कितनी हो रही है? सिंपल है, सेल में से खर्चे को माइनस कर दें, जो बचा वो प्रॉफिट है। इसमें 3 किस्म की सेल्स हैं, वैसे तो 4 किस्म की सेल्स हैं। इसमें होलसेलर भी होता है, रिटेलर भी, लेकिन हर जगह नहीं होता रिटेलर, तो इसलिए मैंने रिटेलर इसमें डाले ही नहीं है। लेकिन ये जो एक्सपेंसेस है, अगर कोई मेहनत करे उसको फल ना मिले, ऐसा इम्पॉसिबल है। आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस डेवलप होता है। शुरू में आप 3 घंटे काम करते हैं, फिर 6 घंटे पे जाते हैं, जब जितना आपकी सेल्स होती है उतनी आप प्रोडक्शन करते हैं। ये हैं जी फहद साहब, जो कहते हैं कि रोजाना 3 घंटे दें और महाना 1,50,000 रुपए लिख के देता हूं। जिसने ये देखें इनका बिजनेस प्रपोजल, इन्होंने कहा लिख के दूंगा, यहां पे लिखा भी हुआ है 1,53,000 रुपए महाना आपको देंगे 3 घंटे काम करने का। आपने क्या करना है, अपने घर में 1 मरला जगह तलाश करनी है, वहां पे सेटअप लगाना है, चाहे छत पे लगा लें, हॉल में लगा लें, कमरे में लगा लें, जहां पे आपके पास जगह मौजूद है, आप इनके बताए हुए प्लान के मुताबिक काम करें, सारे खर्चे निकाल के, पेट्रोल के, इलेक्ट्रिसिटी के, लेबर के, रेंट के, तमाम खर्चे निकाल के, मेरा भाई आप अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट करेंगे। ये जो बिजनेस आज की वीडियो में आपको बताने वाले हैं, कभी ना बंद होने वाला, हमेशा चलने वाला बिजनेस है। जहां पे भी स्टार्ट करेंगे वहां पे ही चलेगा। पाकिस्तान में इस वक्त ये उभरता हुआ बिजनेस है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। लोग चाहते हैं जी हमें अच्छा अच्छा बिजनेस बताएं, तो आप लोगों को आज की वीडियो में कौन से बिजनेस के बारे में अवेयरनेस देना चाहते हैं? ये बिजनेस वाकई पायदार है? इस बिजनेस में पैसा है या फिर नुकसान के खदशात ज्यादा हैं? देखिए जी, बिजनेस करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ ये होनी चाहिए कि लोगों को ये ऐसा बिजनेस हो जो लॉन्ग टर्म चले भी। ऐसा ना हो कि बस एक बूम आया मार्केट में, गुब्बारा फूला और वो फट गया और बंदा जो है वो ख़त्म हो गया। तो ये जो कारोबार है वो सब जानते हैं कि ये ऐसी बिजनेस है जिसमें रोज़ाना की बुनियाद पर हर घर की ज़रूरत है, और जब तक क़यामत है, जब तक क़यामत नहीं आती, जब तक इसकी ज़रूरत रहेगी। और तो इस बिज़नेस को करने से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें रॉ मटेरियल फ्री है जिससे आप प्रोडक्शन करेंगे। सेकंड ये कि ये हर घर की ज़रूरत है, तो आप शॉप्स पर, घरों में, दुकानों पर, सब जगह इसको सेल कर सकते हैं। और इसमें इन्वेस्टमेंट कम है और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात की है, इसमें रॉ मटेरियल और ETC ये सारे एक्सपेंस बच जाते हैं। ऑटो पे चलने वाला भी बिजनेस है, यानी कि एक बार आपने कस्टमर बना लिया, एक बार इसके पास जो सिस्टम चल गया, आपका सेल्स होना शुरू हो गई, तो वो कस्टमर आपका हमेशा बरकरार रहेगा और फिर वो चलता रहेगा। और आप अब बैठे हैं, दूसरा सिस्टम लगाएं और एक सिस्टम लगा के छोड़ दें अपने एम्प्लॉयज वगैरह को रख के। जिस बंदे ने पहली दफा काम करना हो उसके लिए क्या प्रपोजल है? देखें जी, हमने एक बिजनेस प्रपोजल बनाया हुआ है पूरा। इसमें हम तमाम तर जो बिजनेस सॉल्यूशन है, ट्रेंड की सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि प्लांट लगने से पहले, प्लांट लगने के वक्त और प्लांट लगने के बाद हम आपके साथ हैं, वो किस तरह हैं और उस पर क्या क्या इन्वेस्टमेंट आती है, उसके लिए हमने एक प्रपोजल बनाया है। वो प्रपोजल अगर मैं आपको बताऊंगा तो इंशाल्लाह ताला लोगों को समझ में आएगा। अच्छा, 3 घंटे काम करके 1,50,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये हमने मैक्सिमम जो है ना, यानी कि समझ लें आपको तमाम एक्सपेंसेस निकालने के बाद जो मिनिमम या कह लें बचेगा, वो ये बचना ही बचना है। अब वो कितना बचना है, किस तरह से बचना है, क्या इन्वेस्टमेंट है, वो इस चार्ट में हमने बड़ा इजीली सारी चीजें समझाइएगा। चार्ट से ऊपर से लेकर नीचे तक जल्दी से डिफाइन कर दीजिएगा। देखिए जल्दी से, मैं ये चाहता हूँ कि लोग जब 11,00,000 रुपये लगा रहे हैं, ठीक है जी, तो अपने 11,00,000 रुपए लगाने से पहले आप लोगों को सारी मालूमात हो, किसी भी कंपनी से लगाएं वो इशू नहीं है। लेकिन 11,00,000 रुपए, 12,00,000 रुपए जब एक बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कम से कम उसको ये वीडियो पूरी देखनी चाहिए, ठीक है जी। तो इस वीडियो में, इस चार्ट में कितनी इन्वेस्टमेंट है, क्या कैपिटल लग रहा है, क्या हम लोग किस तरह से सर्विसेज देंगे, प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है और प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, ये तमाम तरह चीज़ें बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट और कैपिटल की। आमतौर पर 2 प्लांट कारोबार को करने के लिए स्टार्ट लगते हैं, जो कि 6,000 गैलन और 12,000 गैलन है। 6,000 गैलन का मतलब ये कि 6,000 गैलन पर डे पानी बनाता है, यानी कि 24,000 लीटर, यानी कि 1,000 लीटर पर आवर। इस प्लांट की कीमत है 7,500,000 रुपये। अच्छा, हम सिर्फ प्लांट नहीं बेचते, हम कंप्लीट बिजनेस सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि बताया है। तो ये 7,50,000 रुपये प्लांट की कीमत नहीं है, ये पूरे बिजनेस सॉल्यूशन की कीमत है। यानी कि 6,000 गैलन के साथ फुल्ली ऑटोमेटिक अमेरिकन टेक्नोलॉजी का स्टेनलेस स्टील का अपग्रेडेबल इंपोर्टेड आरओ प्लांट विद ऑल दीज थिंग्स, जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा।
अच्छा साढ़े सात लाख रुपए का जो है 6,000 गैलन और 12,000 गैलन जो है वो 9.5 लाख रुपए का है। उसके अलावा ये इस कीमत के अलावा जो आपके इस प्लांट को इस बिज़नेस को करने के लिए अखराजात आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बोरिंग है, क्योंकि जो जो प्लांट लगता है या तो आप ज़मीन के पानी पे लगाते हैं या फिर लाइन के पानी पे, लेकिन लाइन के पानी पे क्योंकि एज़ पर गवर्नमेंट अलाउ नहीं है तो हमें इसको बोरिंग के पानी पे लगाना है। तो बोरिंग जो है वो 1,50,000 रुपये की। उसके अलावा आपको बॉटल्स वगैरह चाहिए होती हैं, उसमें आपका तकरीबन 1,50,000 रुपये बॉटल्स में खर्चा आ जाता है। और शॉप रेनोवेशन में 50,000 रुपये का खर्चा आता है, क्योंकि शॉप रेनोवेशन आपने हमें सिर्फ कलर करके देना है और करके देना, बाकी स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ हम खुद करके देंगे। यानी कि आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो करा रहे हैं, जो आपकी टेबल्स वगैरह लगा रहे हैं, जो टैंक्स लगा रहे हैं वो सब, और सीसीटीवी कैमरा सर्विलेंस सिस्टम लगा रहे हैं, उसकी फीसेस भी हम पे करेंगे, वो सब कुछ लगाकर सेट करके हम आपको देंगे। तो ये आपका तकरीबन 7.5 लाख और 3.5 लाख 11 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट आपकी आती है इस कारोबार को करने के लिए मिनिमम। ठीक है जी, अब ये स्टार्ट किस तरह से होगा कि ये प्लान आपने सबसे सारी मालूमात करके हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करेंगे, हमारी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराएंगे। आप हमारे ऑफिस आना चाहें, लाहौर ऑफिस, इस्लामाबाद में भी हमारी फ्रेंचाइज है, वहाँ भी विजिट कर सकते हैं। अगर आप क्वेटा में हैं तो क्वेटा में भी विजिट कर सकते हैं, केपी के में पेशावर में हमारी फ्रेंचाइज है, वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं, तो हमारी फ्रेंचाइज पर जाके भी विजिट कर सकते हैं। अब उसमें रजिस्ट्रेशन आपने हमारी कंपनी में रजिस्ट्रेशन करानी है। हमारी कंपनी में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमारे सर्वे टीम आपके पास सर्वे करेगी, साइट सर्वे, फिर आपको बोरिंग की सुपरविजन दी जाएगी, उसके बाद आपको शॉप का लेआउट डिज़ाइन किया जाएगा, अगर आप घर में लगा रहे हैं तो किस तरह से लगेगा, क्या उसका सेटअप होगा, वो सारा आपको डिज़ाइन दिया जाएगा। फिर आपकी लीगल डॉक्यूमेंटेशन होगी, यानी कि SECP में और FBR में, SECP में जो रजिस्ट्रेशन होगी उसकी फीसिस भी हम खुद पे करेंगे, और सारी आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो भी हम खुद करेंगे, और आपको लाइसेंस दिलवाना हमारी जिम्मेदारी है, जिसमें हलाल के सर्टिफिकेट हो गए, SECP FBR हो गया, फूड अथॉरिटी के लाइसेंस, चाहे वो पंजाब फूड अथॉरिटी हो, सिंध फूड अथॉरिटी हो, KPK फूड अथॉरिटी हो या बलूचिस्तान फूड अथॉरिटी हो, उसका लाइसेंस दिलवाना, यानी कि प्लांट ऐसा लगाना कि उसका पानी को और प्लांट को दोनों हर गवर्नमेंट की अथॉरिटी अप्रूव करे, ये हमारी जिम्मेदारी है। उसके बाद फूड ग्रेड के सर्टिफिकेट आपको देना, उसके बाद जो आपका ज़मीन का पानी जब बोर है उसके मुताबिक प्लांट डिज़ाइन होता है। ऐसे नहीं है कि सबको एक ही जैसा प्लांट लगा के दे दिया, या क्योंकि हम पानी आपको जो बना के देंगे वो हमारी गारंटी के वो नेस्ले एक्वाफिना किनले जैसा पानी होगा, तो उसके पानी का ज़मीन का जब टेस्ट होगा उसके मुताबिक प्लांट बनाएगा, आपकी जगह पर आके प्लांट इंस्टॉल होगा। इंस्टॉलेशन में जो है आपकी जगह पर आके होने की वजह ये है कि एक एक पार्ट अलग अलग आएगा, जिससे आपको ये भी इंश्योर हो जाएगा कि आपका ईच एंड एवरी पार्ट इज़ ब्रांड न्यू बॉक्स पैक्ड। और दूसरा ये कि इसमें जो क्या सिस्टम है, किस तरह से काम करता है, वो भी आपको समझ में आ जाती हैं चीज़ें। उसके बाद आपको ऑपरेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, यानी कि प्लांट किस तरह से चलता है, ऑटोमेटिक अगर काम करता है तो कैसे करेगा, मैनुअल अगर काम करेगा तो कैसे करेगा, और उसमें जो pH क्या होता है, TDS क्या होता है, पानी की क्वालिटी कैसे मेंटेन होती है, सारी आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके बाद आपको मार्केटिंग ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपका कौन सी टारगेट मार्केट है, किस तरह से आपने सेल्स करनी है, आपको पिच क्या देनी है, आपका मार्केटिंग का कंटेंट क्या होना चाहिए, ये सारी गाइडेंस भी हम देंगे। उसके बाद बॉटल्स कहाँ से बनेंगी, लेबल्स कहाँ से बनेंगे, मार्केटिंग कॉन्टेंट अच्छे रेट पे कहाँ से बनेगा, आपके सूबे में आपके शहर के करीब कौन से अच्छे बॉटल सप्लायर हैं, उनके कॉन्टैक्ट नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद आपके CCTV सर्विलेंस सिस्टम भी हम लगा के दे रहे हैं इसी कीमत में। ठीक है जी, अच्छा ये जितने भी लाइसेंसेज हैं, ये जो कैमराज वगैरह हैं, इसकी फीसिस सब इस 7.5 लाख रुपये में शामिल है, तो 11 लाख रुपये में पूरा कामयाब कारोबार हम आपको सेटअप करके देंगे। अब आ जाते हैं हम 3 घंटे में जो है वो किस तरह 3 घंटे काम करके जो इतना पैसा कमा सकते हैं, वो सिंपल है बहुत, उसको हमने शॉर्ट कर दिया है। अगर हम 6000 गैलन वाला यानी 1000 लीटर पानी बनाते हैं तो हमें दो ही चीज़ें चाहिए, एक मिनरल, दूसरा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि ज़मीन से पानी आ रहा है वो तो फ्री है। तो मिनरल इलेक्ट्रिसिटी जो है, क्योंकि 6000 गैलन वाला जो प्लांट है वो 6 किलोवाट बोर पंप के साथ बिजली कंज्यूम करता है, यानी कि अगर कोई सोलर पे लगाना चाहे तो उसको 6 किलोवाट का सोलर चाहिए होगा, ये एक सवाल अक्सर लोगों का होता है, तो ये भी जवाब उनको मिल गया। तो 6, अगर इस वक्त हम मैक्सिमम बिजली का रेट लें तो 60 रुपये है, 60 रुपये पर यूनिट के हिसाब से 6 यूनिट अगर बिजली 1 घंटे में चलाने के बाद खर्च होते हैं तो 360 रुपये, और मिनरल फिल्टर केमिकल 50 रुपये, तो टोटल 410 रुपये बनते हैं, और 410 को हम डिवाइड करते हैं 1000 लीटर से, तो 1 घंटे में जो हमारा 1000 लीटर 410 में बना, तो 1 लीटर की कॉस्ट आई 41 पैसा, सिर्फ 41 पैसा। जबकि 12,000 गैलन वाला जो, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा है और बिजली की कंजम्पशन सिर्फ 7 किलोवाट है, जिसकी वजह से सिर्फ 26 पैसा इसकी कॉस्ट, यानी कि जब हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है, तो 12,000 गैलन वाले में और कम हो जाती है। अब आ जाते हैं, ये तो सिर्फ प्रोडक्ट कॉस्ट है, लेकिन लोगों का सवाल होता है सर जी शॉप का रेंट भी है, ये सारी चीज़ें भी हैं, तो उस हिसाब से बात करते हैं। ये देखें, जब हम बिज़नेस स्टार्ट करते हैं
तो किसी भी बिजनेस स्टार्ट करते ऐसा तो है नहीं कि लाइनें लग जाएंगी आपके पास और पैसा गिरना शुरू हो जाएगा। मैं इसके खिलाफ हूँ, आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस डेवलप होता है। शुरू में आप 3 घंटे काम करते हैं, फिर 6 घंटे पर जाते हैं, जब जितना आपकी सेल्स होती है उतनी आप प्रोडक्शन करते हैं। शुरू में अगर आप 3 घंटे की प्रोडक्शन करते हैं तो आप यानी कि 3,000 लीटर पानी बना रहे हैं, और जब 3,000 लीटर पानी बना रहे हैं तो उसमें क्या खर्च आता आ रहे हैं? शॉप का रेंट, अगर शॉप रेंट पे नहीं भी है तो मैं कहता हूँ रेंट लगाएं, क्योंकि अगर आप किसी आपकी अपनी शॉप है वो भी रेंट पे देंगे, उसके भी तो पैसे आने हैं ना। तो बिजनेस की फिजिबिलिटी बनाने के लिए उसका रेंट लगाना है। शॉप का जो रेंट है, सॉरी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो 3 घंटे अगर हम चलाते हैं तो 360 के हिसाब से 1,080 रुपये बन जाता है, और महीने का 28,000 रुपये बन जाता है। पेट्रोल रोज़ाना अगर हम खर्च करते हैं, जो गाड़ी हमारी चल रही है सप्लाई कर रही है, 1,000 रुपये कभी लगा लेते हैं तो 26,000 रुपये। अच्छा, हम 26 दिन की बात कर रहे हैं, एक महीना 26 दिन पे इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इतवार की या जुमे की जो भी लोग छुट्टी रखना चाहें। फिल्टर मिनरल केमिकल के रोज़ाना के अगर 100 क्योंकि 3 घंटे वही वाली बात है तो 150 रुपये बनता है, तो 3900 हो गया। तो ये तो वो हो गया जो रनिंग एक्सपेंस हो गया। उसके बाद हमारा रेंट, शॉप का रेंट मैक्सिमम 25,000 रुपये होता ही होता है। फिर लेबर के, 2 बंदे आपने रखे हैं तो 40,000 रुपये उसका लेबर के हो गए। फिर कैब्स और चाय वगैरह जो खर्चे होते हैं तो 10,000 रुपये वो हो गए। ये वो खर्चे हैं जो आपके होने ही होने हैं, और इससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकते, कम ही होने हैं, लेकिन हमने मैक्सिमम साइड पे करके रखे हैं। तो टोटल बनता है 1,33,000 रुपये महाना का खर्चा। अब 1,33,000 महाना खर्चा हो तो सेल कितनी हो रही है? सिंपल है, सेल में से खर्चे को माइनस कर दें, जो बचा वो प्रॉफिट है। तो सेल, इसमें 3 किस्म की सेल्स हैं, वैसे तो 4 किस्म की सेल्स हैं, इसमें होलसेलर भी होता है, रिटेलर भी, लेकिन हर जगह नहीं होता रिटेलर, तो इसलिए मैंने रिटेलर इसमें डाले ही नहीं है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्स नाउ। कस्टम काउंटर सेल, यानी लोग जो आपकी काउंटर पे आएंगे परचेज करेंगे, आमतौर पे तो 2,000 से 3,000 रुपये की काउंटर सेल होती होती है, हर घर में पानी की ज़रूरत है, ठीक है, लेकिन हम इसको मैक्सिमम मिनिमम साइड पर लेके जाते हैं 1,000 रुपये पर डे, यानी कि अच्छा। दूसरा जो हो गया होम डिलीवरी, 19 लीटर बॉटल आजकल 100 रुपये का रेट है, आप 500, 300, 400 बोतलें, 300, 200 बोतलें तो हर प्लांट वाला बेचता है, लेकिन स्टार्ट में आप सिर्फ 50 बोतल का कस्टमर बनाते हैं तो 50 बोतल 100 रुपये के हिसाब से सेल करते हैं तो 5,000 रुपये आपका ये हो गया, ठीक है जी। और फिर उसके बाद ये जो पैड आपने बनते हुए देखा, पैड रखे हुए देखे, एक पैड पे तमाम खर्चे निकालने के बाद अगर 50 रुपये आपको बचते हैं, ठीक है, और आप सिर्फ 100 पैड बेचते हैं, हर दुकानदार 8-10 पैड तो ले ही लेता है रोज़ाना, आप 50 दुकानों पर जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला 50 तो पेट निकल जाएंगे अगर एक एक भी ले लेता है, ठीक है जी। तो 5,000 रुपये आपके ये हो गए, तो 11,000 रुपये पर डे, और 11,000 पर डे के हिसाब से 26 दिन के आपके बनते हैं 2,86,000 रुपये। 2,86,000 रुपये में से आप माइनस कर दें आपने एक्सपेंसेस 1,33,000, तो 1,53,000, 1,50,000 आपका सिर्फ 3 घंटे की बचत है ही है। चले तो, जी अच्छा जी, आपने बड़े तरीके से सारा समझा दिया। जिस बंदे ने ये बिजनेस करना हो ना, ये उसके लिए समझने की बात है, वो बड़े तरीके से समझेगा, उसको समझ भी आएगी। तो जो लोग करना ही नहीं चाहते तो उनको तो समझ में नहीं आई होगी, क्योंकि उन्होंने करना ही नहीं है। अगर करना चाहते हैं तो, अगर आपने बिजनेस नहीं भी किया तो आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप ये कर रहे हैं। अच्छा, जो लोग कर भी रहे हैं, जो लोग ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं उनको प्रॉफिट नहीं हो रहा, वो हमसे रब्ता करके कैसे बिजनेस को प्रॉफिट कमाया जाए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, लीगल डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आ रही है, तब भी हमसे रब्ता कर सकते हैं, वो बात तो एक अलग है। लेकिन ये जो एक्सपेंसिस है, अगर कोई मेहनत कर रहा है उसको फल ना मिले, ऐसा इम्पॉसिबल है। ये तो 50 कस्टमर अगर वो नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब फिर उसकी गलती है। ये देखें, हमने ये तमाम तर जिसको भी हमने लगाकर हम सिस्टम देंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी के लाइसेंस, हलाल के सर्टिफिकेट, ज़मीन के पानी की रिपोर्ट, तैयार पानी की रिपोर्ट, फूड ग्रेड के सर्टिफिकेट और कंपनी रजिस्ट्रेशन SCCP NTN वगैरह, उसके सर्टिफिकेट अभी यहाँ मौजूद नहीं, लेकिन वो हम सारे लगा करवा करके देते हैं। द वाटर कंपनी के नाम से इनकी कंपनी है, जो कि वाटर RO प्लांट, फिल्ट्रेशन प्लांट इंस्टॉल करते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ इनके जो प्लांट यहाँ पे इंस्टॉल हुए हैं, उनका मैं आपको विजिट करवाता हूँ। आ जाएं, चलें जी, दिखाएं, आ जाएं। ये हमारा एक हमने प्लांट लगा करके दिया है, जिस जो कि एक 12x20 की कोई जगह है, और इसमें हमने शॉप लगा करके दी हुई है। यहाँ पर इसकी फिलिंग टेबल है, यहाँ पर फिलिंग का सिस्टम है, ये सब बॉटल्स वगैरह देखिए यहाँ पर इस तरह से ये काम बॉटल्स वगैरह की फिलिंग कर रही होती है, ठीक है। बॉटल की ये वॉश हो रही है, बॉटल यहाँ बॉटल वॉश होगी, ठीक है जी, उसके बाद यहाँ से फिल होगी और उसके बाद ये रख दी जाएगी यहाँ से काउंटर से। अच्छा, ये क्योंकि ये शॉप में, घर में और हर जगह लगाया जा सकता है प्लांट, और इसकी अप्रूवल भी इजीली मिल जाती है, तो ये इस वक्त शॉप में लगा हुआ तो यहाँ काउंटर सेल भी होती है, ठीक है जी। ये पूरा कंप्लीट सेटअप हमने खुद लगा करके दिया है, ये फुली ऑटोमेटिक अमेरिकन टेक्नोलॉजी का स्टेनलेस स्टील का RO प्लांट है,
जिसमें ये फिलिंग टेबल हो गई, स्टेनलेस स्टील का पूरा प्लांट हो गया, ऑटोमेटिक सिस्टम पे बना हुआ है और ये कंप्लीट सेटअप हो गया। इसके साथ सीसीटीवी कैमरा वगैरह ये सारी चीज़ हम प्रोवाइड करते हैं। इसको आप देखा देखें अब ये किस तरह से काम करता है कि ज़मीन का पानी, ये बताने की ज़रूरत है ये लोग बताएं बताएं लोगों को बताएं किस तरह से ज़मीन से पानी निकलता है और किस तरह फिल्ट्रेशन होती है, तो पैकिंग। मैं आपको बैक साइड से थोड़ा सा दिखाता हूँ मैं आपको। ये बेसिकली हमारा प्लांट है, इसको आप देखें माशाल्लाह। अच्छा, ये बोर का पानी है, बोर में जब पानी आता है तो उसके बाद फिल्ट्रेशन सिस्टम यहाँ से स्टार्ट होता है। इसमें सैंड फिल्टर हैं, फिर कार्बन फिल्टर्स हैं, फिर उसके बाद पीपीएफ फिल्टर्स हैं, उसके बाद मेम्ब्रेन से पानी गुजरता हुआ जब तैयार हो के तैयार पानी टैंक में जा रहा होता है, तो ऑटोमेटिक सिस्टम के तहत ये पानी में जो मिनरल्स वगैरह जो इंसानी बॉडी की ज़रूरत है वो इसमें ऐड होते हैं और ये मिनरल वाटर बन जाता है। अच्छा, ये प्लांट फुल्ली ऑटोमेटिक हमने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि बोर खुद ही स्टार्ट होगा, ये जैसे बोर फुल होगा तो ऐसा नहीं होगा कि पानी गिरना शुरू हो जाए, प्लांट बंद हो जाएगा, उसके बाद प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, सॉरी बोर बंद हो जाएगा, फिर प्लांट स्टार्ट हो जाएगा, ये पूरा प्रोडक्शन करेगा। जिस वक्त ये टैंक फुल होगा तो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, मिनरल्स वगैरह एंट्री स्केलन खुद ब खुद इसमें शामिल होते जाएंगे, और जैसे ये फुल होगा बंद हो जाएगा, और जब ये खाली होगा, ठीक है इसका हमने पैमाना रखा हुआ है, आधा खाली होगा तो स्टार्ट हो जाएगा खुद ही। तो इधर ऑपरेटर रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रखना चाहिए जो आपने बंदे रखे हुए हैं अपने फिलिंग के लिए, दो लोगों की ज़रूरत होती है। यहाँ काउंटर सेल भी होती है, होम डिलीवरी भी है, ऑफिस डिलीवरी भी है, इस तरह से एक छोटी सी शॉप के अंदर ईजिली बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। चलें जी, टोटल सेटअप जो है इनका ऑटोमेटिक है, यहाँ पे वाटर की समझने प्रोडक्शन होती है, फिल्ट्रेशन वगैरह जो आरओ प्लांट का जो काम है वो अपना काम सर अंजाम देता है, उसके बाद यहाँ पे आके पैकिंग होती है। पैकिंग करने के बाद इस तरह माल तैयार हो जाता है, जैसे ये माल तैयार पड़ा हुआ है। लें जी, माल बिल्कुल तैयार, काम इंतहाई आसान है। अगर आप लोग इनसे रब्ता करना चाहते हैं तो आप अपनी ब्रांचों का बता दें, आपकी ब्रांच कहाँ कहाँ पे है, लोग कैसे रब्ता करेंगे। कराची में हमारा हेड ऑफिस है और रीजनल ऑफिस हमारा लाहौर लक्ष्मी चौक पे, कराची में गुलशन इकबाल में हमारा हेड ऑफिस है, ठीक है जी। आप और हमने पूरे पाकिस्तान में प्लांट लगाए हुए, स्क्रीन पर जो नंबर हमारे चल रहे हैं इसमें आप रब्ता करके तमाम तर मजीद मालूम ले सकते हैं। वो लोग ही नहीं जिन्होंने प्लांट लगवाना है, वो लोग भी जो प्लांट लगा चुके हैं और उनको किसी भी किस्म की कोई हर्डल आ रही लीगल डॉक्यूमेंटेशन में या प्लांट चलाने में, तो वो भी हमसे फ्री ऑफ कॉस्ट मशवरे लेके अपने बिजनेस में कोई प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। तो हमारा तरीकेकार ये होगा कि आपने सबसे पहले जो है वो मालूमात अच्छी तरह से और करनी है, फिर हमारे कंपनी में कांटेक्ट करने के बाद रजिस्ट्रेशन करानी है, और रजिस्ट्रेशन के बाद ये जो मैंने आपको एक प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ उस प्रेजेंटेशन में आपको सारा समझ में आ जाएगा कि सेटअप किस तरह लगेगा और काम किस तरह आप शुरू करेंगे और कामयाबी के साथ किस तरह चलाएंगे। अगर कोई बंदा कोयटा से है वो आपसे कैसे रब्ता करेगा, आपसे फिजिकल मिलेगा या फिर आप उसके पास आएंगे? देखें जी, बहुत सारे कस्टमर्स जो हैं कोयटा से लेकर सिंध, बलूचिस्तान, केपीके और पंजाब, सब जगह हर छोटे बड़े शहर में हमारे प्लांट लगे हुए हैं। तो किसी को भी ये वेरिफिकेशन करनी है कि हमारी कंपनी कैसी है, तो मैंने अभी अपनी कंपनी का थोड़ा सा तारुफ करा दूं कि हमारी कंपनी दी वाटर कंपनी पाकिस्तान के हर इदारे से रजिस्टर्ड कंपनी है, जो कि इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल और कमर्शियल आरओ प्लांट लगा के देते हैं। हम घर के छोटे प्लांट भी लगा के देते हैं जो मैं आपको बता देता हूँ। तो इसी तरीके से जब तमाम तर हम प्लांट लगा के दे रहे हैं तो हम पाकिस्तान के हर इदारे से आपको भी रजिस्टर्ड करवा के देते हैं। हम प्लांट ऐसा लगाते हैं कि आपको फूड अथॉरिटी वाले इस प्लांट को और इस पानी को गारंटी के साथ अप्रूव करें। जो लोग हमसे रब्ता करना चाहते हैं वो अपने एरिए में कहीं ना कहीं करीब उनके लाजमी प्लांट लगा हुआ होगा, वहाँ जाके भी विजिट कर सकते हैं और हमारे नंबर पे कांटेक्ट करके आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके बाद हमारा सर्वेयर उनके पास जाएगा और वो आना चाहें तो हमारे लाहौर ऑफिस भी आ सकते हैं और कराची ऑफिस भी आ सकते हैं। चलें जी, इन्होंने डिटेल से आपको बता दिया, तसल्ली करना चाहते हैं तो आप इनसे रब्ता करें, अपनी तसल्ली पूरी करें, इनके प्लांट जो है वो विजिट करना चाहें विजिट भी कर सकते हैं। इसी के साथ हुमैर अहमद को इजाज़त दें, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।